मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर में रोडवेज बस टर्मिनल, ISBT डिपो वर्कशॉप, रीजनल वर्कशॉप और टायर वर्कशॉप के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस अवसर पर क्षेत्रीय सांसद अजय भी मौजूद रहे। टनकपुर में आधुनिक बस अड्डा बनाए जाने की मांग लंबे समय से उठती रही है। अब इस मांग को पूरा करने की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कदम आगे बढ़ा दिया है। टनकपुर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोडवेज बस टर्मिनल, ISBT डिपो वर्कशॉप, रीजनल वर्कशॉप और टायर वर्कशॉप के निर्माण का शिलान्यास किया। इस अवसर पर क्षेत्रीय सांसद अजय टमटा भी मौजूद रहे। 56 करोड़ की लागत से बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल से 50 लाख से ज्यादा यात्रियों को सीधा फायदा पहुंचेगा। आने वाले समय में यहां शॉपिंग मॉल और अन्य व्यापारिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण भी किया जाएगा, जिससे युवाओं के लिए नए रोजगार का भी निर्माण होगा। वो विषय है जिसके कारण से सब लोगों को आगे आने का अवसर मिलता है। जो लोग बहुत सालों से मेहनत कर रहे होते हैं, प्रयास कर रहे होते हैं, उनको मान्यता देने का काम, उनको दुनिया के सामने लाने का काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और आज उन्होंने जो स्वच्छता की बात सूरत शहर की करी है, वही हमने अपने टनकपुर वासियों से भी कहा है कि इस काम को टनकपुर में भी प्रारंभ किया जाए, क्योंकि टनकपुर माँ पूर्णागिरी का धाम है, शारदा मैया का आगन है और पूरे देश दुनिया के लोगों का यहाँ आना होता है। तो ये शहर भी हमारा स्वच्छता के मामले में स्वच्छ रहना चाहिए, एक आदर्श शहर होना चाहिए। उसके प्रथम चरण में 56 करोड़ की धनराशि से यहाँ पर वर्कशॉप और अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे के अंतर्गत जो भी वर्कशॉप से लेकर अनेक जो काम है उसके अंतर्गत पूरे होंगे, जल्दी उसका लोकार्पण भी होगा। 2025-18 माह की अवधि रखी गई है निर्माण गुणवत्ता से हवाई सड़क के बनने से, क्योंकि एक बड़ा केंद्र टनकपुर है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। पूरे देश दुनिया के 50 लाख लोग प्रत्येक वर्ष यहाँ पर आते हैं और उनको भी सुविधा मिले। और ये केंद्र हमारा बड़ा बनेगा, यहाँ पर शॉपिंग मार्केट भी बनेगी, कॉम्प्लेक्स भी बनेगा, पार्किंग भी बनेगी और इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार भी उनका पड़ेगा, व्यापार भी बढ़ेगा, पर्यटन। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।